नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टॉक्स में। दोस्तों, आप लोगों को मैं जितने भी स्टॉक्स होल्ड करने बैठा हूँ बोला हूँ, वो सारे स्टॉक्स को आप होल्ड कीजिए, प्लीज़ सारे स्टॉक्स को होल्ड कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के पास अगर डिमेट अकाउंट नहीं है एंजल वन या जेरोधा का, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अपना अकाउंट खोल लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से अगर आपको जुड़ना है तो आपका उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट वहाँ पे जाके टेलीग्राम अकाउंट में आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सब शेयर्स आपको मिल जाएगा, या कभी मुझे ठीक ठाक लगा तो वो सब शेयर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात, आज तो थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, थोड़ा सा देखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि 16th हो गया, 15th 16th 17th हो गया, लेकिन मैंने ऑप्शन का ट्रेड मैंने क्यों नहीं दिया। मैंने दोस्तों इसलिए नहीं दिया क्योंकि पिछली बार मुझे मेल आया था दो तीन बंदों का, जो बिगिनर्स थे वो लॉसेस किए थे ऑप्शन ट्रेड में, जबकि हमारा ऑप्शन ट्रेड और फ्यूचर दोनों बहुत ही बढ़िया रहा था और कई सारे दिए थे, और सारे के सारे लगभग एक को छोड़ के सभी का सभी अच्छा गया था। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बाकी सारे के सारे अच्छे गए थे। लेकिन उन बेचारे ने क्या किया कि उनको कॉल कैसे बाई करना है, पुट कैसे बाई करना है ये भी नहीं पता, उन्होंने सेल कर दिया अपोजिट और उनके अच्छे खासे पैसे लॉस हो गए। इसलिए मैं डर के मारे नहीं दिया। जो बिगिनर्स है बिल्कुल उनको इनका डेरिवेटिव सेगमेंट के बारे में, एफएन सेगमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो भी एंट्री कर बैठते हैं और लॉसेस हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ दोस्तों कि मैंने कल मैंने ट्रेड लिया था, बजाज ऑटो का ट्रेड लिया था सी में, वो आज भी मेरा पोजिशन होल्डिंग में है और अच्छा खासा बेनिफिट में है। कल जब मैंने बाई किया था तो थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, लेकिन मुझे इस न्यूज़ पे जो PLI इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसके ऊपर मुझे उसके न्यूज़ का इफेक्ट तो पड़ना था, और इसका बहुत अच्छा एक इफेक्ट हमारे इस ऑटो सेक्टर में पड़ना था। तो बजाज ऑटो मुझे एक अच्छा उम्मीदवार लगा, तो मैंने इसलिए बजाज ऑटो में इन्वेस्ट किया था। और आज के रेट में 150 के अबोव आज वो पोजीशन दिया, तो ये बहुत अच्छा रहा। ये चीज़ मुझे लग रहा है मंडे ट्यूसडे मीन्स अप टू एक्सपायरी ये अच्छा बना रहेगा। तो आप लोग भी चाहो तो 2750 ये के आसपास का है सी, उसको आप ले सकते हो। अगर चाहो तो ले सकते हो, विद प्रॉपर आप SL स्टॉप लॉस बना के आप ले सकते हो। आज भी उसने 15% का गेन दिया हुआ है, ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एक मैंने दो लॉट लिए सिर्फ, ठीक है, दो लॉट पे मैंने काम किया है। तो जो भी हो, इसलिए मेरा इंट्राडे आज हुआ भी नहीं। मैं उतना कैपिटल अभी मैंने ज़्यादा कैपिटल से करता हूँ, तो उतना कैपिटल मैं इस पे लगा दिया, उससे मैं ज़्यादा नहीं कर पाया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बोल दिया, आप लोग भी चाहो तो उसमें कर सकते हो, स्टॉप लॉस अपना हिसाब से रख देना और अच्छा हो सकता है, ठीक है, आप लोग कीजिए, ऑलरेडी टाइम लेट हो चुका है, कोई बात नहीं। सो मैं ये 12 स्टॉक्स में बताता हूँ दोस्तों, जो अगले कुछ सालों में 10 टाइम्स इसमें और ज़्यादा बढ़त होने की उम्मीद है। तो इन सारे शेयर्स के नाम मैं बता दे रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, हमेशा स्क्रीनशॉट का सहारा मत लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट वैसे ही रह जाता है, हम कुछ देखते भी नहीं है। जो बिगिनर्स है दोस्तों, इन सारे शेयर्स में आप ज़रूर अपना SIP या फिर BIONDIS आप ज़रूर कीजिए, आपको बेनिफिट होना होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है इन्फोसिस, नंबर वन इज इन्फोसिस, नंबर टू इज हैटसन एग्रो, नंबर टू इज हैटसन एग्रो, नंबर थ्री इज डॉक्टर रेडिस, नंबर थ्री इज डॉक्टर रेडिस, नंबर फोर इज IRCTC, नंबर फोर इज IRCTC, नंबर फाइव इज माइंडट्री, नंबर फाइव इज माइंडट्री, नंबर सिक्स इज इन्फो एज, नंबर सिक्स इज इन्फो एज, नंबर सेवन इज विप्रो, नंबर सेवन इज विप्रो, नंबर एट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स थोड़ा सा डेप्थ है, फिर भी कंपनी अच्छी है। नंबर एट इज टाटा मोटर्स, नंबर नाइन इज थायरो केयर, नंबर नाइन इज थायरो केयर, नंबर टेन इज टाटा एलेक्सी, नंबर टेन इज टाटा एलेक्सी, नंबर इलेवन इज KPIT टेक्नोलॉजीज, नंबर इलेवन इज KPIT टेक्नोलॉजीज, वन ऑफ माई फेवरेट शेयर्स। नंबर ट्वेल्व इज CDSL, नंबर ट्वेल्व इज CDSL। इन सारे में से मेरे पास सिर्फ दो शेयर्स नहीं है
जो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। इनफैक्ट मैं ये अपना पोर्टफोलियो का एक हिस्सा आपको बता रहा हूँ। इनमें से सिर्फ दो शेयर नहीं है मेरे पास, वो है माइंडट्री नहीं है और टाटा मोटर्स नहीं है। ठीक है, माइंडट्री और टाटा मोटर्स मेरे पास नहीं है। मैं ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मुझे ये पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं रखा। बात बाकी आप लोग इसे ज़रूर रखिए, इन सारे शेयर्स में से कोई एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ दोस्तों, आप इन शेयर्सों में और जो मैं पहले जो और भी कई सारे वीडियोस बना के रखा हूँ, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, ज़रूर से ज़रूर आप उसमें इन्वेस्ट करें दोस्तों। कैसे करना है, धीरे धीरे करके। एक बार में पूरा पैसा डाल दिया, ये गलती कभी मत कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके, ज़रूरत पड़े सिर्फ महंगे शेयर्स है, जैसे इसमें सारे के सारे महंगे हैं, आपको लगेगा इतने महंगे शेयर्स क्यों दिए। दोस्तों दाम पे मत जाइए, काम पे जाइए। दाम बहुत रहता है लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। 2 रुपये का स्टॉक खरीदा वो तो 10 साल बाद भी आपको 3 रुपये हार्डली 4 रुपये आ जाएंगे, और इससे ज़्यादा क्या होगा दोस्तों। लेकिन ये सब शेयर्स ग्रोथ पोटेंशियल में बहुत भयंकर है, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों कल मैं एक लॉन्ग टर्म शेयर्स का वीडियो लाऊंगा और सोच रहा हूँ अंडर 50 रुपीज़ कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेके आऊँगा, जो आप लोग उसे ट्राई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इन्जॉय कीजिए वीडियो को और देखिए लास्ट तक। थैंक यू।